हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं नया, जिसका नाम है पाचन तंत्र या फिर डाइजेशन सिस्टम। तो हम सभी जानते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं उसका क्या होता है, पाचन होता है और उसी के थ्रू हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो किस प्रकार से मिलती है उसको आज के टॉपिक में हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र या इसी को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। अब समझते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है या पाचन होता क्या है। तो दोस्तों, हम कुछ भी खाना खाते हैं तो खाने के रूप में हम क्या लेते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने चर्चा की थी पोषक तत्वों के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो खाना खाते हैं तो हमारा क्या होता है, पोषण होता है। मतलब हम जब भी संतुलित भोजन करते हैं तो उसके अंदर, हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है, वसा होती है, ठीक है ना, विटामिन, ये मिनरल्स विटामिन भी होते हैं, लेकिन इनका पाचन नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। ये केवल क्या है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। पाचन किस चीज का होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और वसा का होता है, ठीक है ना। अब हमने ये भी देखा था कि जब पाचन होता है इनका तो ये क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का मान लीजिए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में होता है, और जब ये इसका कैटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब ये टूटता है, तो इसका सबसे सरलतम अणु कौन सा होता है, सबसे सरलतम रूप कौन सा होता है, ग्लूकोज या फिर हम कह सकते हैं मोनोसैकेराइड। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम किसी भी रूप में ग्रहण करें, चाहे पॉलीसैकेराइड के रूप में ग्रहण करें, चाहे डाइसैकेराइड के रूप में ग्रहण करें, हमारा शरीर क्या करेगा, पहले उसको तोड़ेगा, मतलब उसको ब्रेक करेगा और किसमें कन्वर्ट करेगा, मोनोसैकेराइड में, मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में। उसी प्रकार हमने प्रोटीन की बात की थी, तो प्रोटीन को किस प्रकार तोड़ा जाता है, कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ा जाता है, पेप्टाइड में तोड़ा जाता है, फिर पेप्टॉन्स में तोड़ा जाता है, फिर लास्ट में किसमें तोड़ा जाता है, अमीनो एसिड में। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का सबसे सरलतम भाग कौन सा है, अमीनो एसिड। उसी प्रकार वसा की जब हमने बात की थी तो वसा किसमें टूटती है, वसी अम्लों में, मतलब फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। इसका मतलब जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्वों का उनके सरलतम रूप में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं पाचन के रूप में कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल तथा भोज्य पदार्थों का, मतलब खाने योग्य पदार्थों का किसमें टूटना, सरल या छोटे अणुओं तथा, अब क्या होता है, उनका अवशोषण होता है, अवशोषण योग्य अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। अब कैसे टूटता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एंजाइमेटिक जल अपघटन कैसा होता है, जल अपघटन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बात की कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया, प्रोटीन हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया, या फिर हमने वसा भोजन के रूप में ग्रहण की, ठीक है ना। अब ये तो क्या है, जटिल अणु है, ये क्या है, जटिल अणु, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेकेराइड है, हमने भोजन में ये लिया, ठीक है ना। फिर प्रोटीन है, ये भी जटिल अणु है, वसा भी जटिल अणु है, एनर्जी तीनों के तीनों ही देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कौन सा है, होता है ग्लूकोज, जिसको मोनोसेकेराइड कहा जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में लेंगे, बॉडी किसमें लेगी, हमारे शरीर कौन सी फॉर्म में लेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में। प्रोटीन किस रूप में लेती है, हमारा शरीर किस रूप में लेता है, अमीनो एसिड के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में, ठीक है ना। और उसी प्रकार वसा का किस रूप में पाचन होता है, तो हम कह सकते हैं फैटी एसिड्स के रूप में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ग्लिसरॉल। तो हम कह सकते हैं कि जटिल अणुओं के, ये तो क्या हो गए, जटिल अणु हो गए, ठीक है ना, खाने योग्य हम खाते ही है, और इनका क्या होता है, फिर अवशोषण होता है, मतलब ये हो गए सरल अणु। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल
तथा भोज्य पदार्थ जटिल अणुओं तथा भोज्य पदार्थों का किसमें कैटाबॉलिज्म होता है, किसमें टूटते हैं वो सरल अणुओं में या फिर अवशोषण योग्य अणुओं में टूटते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कैसी प्रक्रिया है, यह एक अपचयी प्रक्रिया है। अपचयी प्रक्रिया है मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों देखते हैं पाचन के कितने टाइप होते हैं, किस किस प्रकार के पाचन के कितने प्रकार का पाचन होता है, और उसके बाद में समझेंगे कि पाचन की क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू हमारा भोजन है वो पचता है, मतलब कौन कौन सी प्रक्रियाएं, ऐसे कौन से पांच एलिमेंट होते हैं, पांच अंग होते हैं जिनके थ्रू हमारा जो भोजन है वो पचता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि कितने प्रकार का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार का पाचन होता है, जिसमें एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दो प्रकार होता है, टू टाइप्स, ठीक है। पहला होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इसी को कहा जाता है, इंट्रा का मतलब अंतः और सेलुलर का मतलब कोशिकीय, ठीक है, और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया बाह्य, फिर इसका मतलब कोशिकीय और इसका मतलब हो गया पाचन, ठीक है। अब देखो समझिए, अंतःकोशिकीय पाचन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर पाचन, ठीक है। अब कोशिका के अंदर आप समझोगे कहां से होता है कोशिका के अंदर पाचन, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। उनमें से एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम, ठीक है ना। एक होता है लाइसोसोम और इसके अंदर प्रबल एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है ना। और इसका कार्य क्या होता है इस लाइसोसोम का, कि जो भी अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, मतलब मान सकते हैं कि मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स, कुछ सेल्स होती हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर, तो इस प्रकार से मान लीजिए मृत कोशिकाएं हैं, अब इनको शरीर से बाहर निकालना होता है, सड़ी गली हैं, अपशिष्ट हैं, तो एक अंग होता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, इसका भक्षण करता है, मतलब इनका पाचन करता है, लाइसोसोम पाचक रस वो करता है, पाचक रसों के द्वारा इसका भक्षण कर देता है अपशिष्ट पदार्थों का। तो लाइसोसोम का कार्य क्या हो गया, अपशिष्ट कोशिकाओं का पाचन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि लाइसोसोम क्या होता है, खुद का भक्षण कर लेता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कोशिका की आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड बैग ऑफ सेल इज नॉन एज लाइसोसोम, मतलब कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, जब भी WBC की बात आती है, ठीक है, मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की, श्वेत रक्त कणिकाओं की बात आती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। हमने ये भी पढ़ा है जब रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, उसके अंदर WBC के पांच प्रकार हमने देखे थे, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ये पांच प्रकार हमने देखे थे और इसका कार्य क्या होता था, इम्यूनिटी को बढ़ाना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो जब WBC किसका भक्षण करती है, जीवाणुओं का या रोगाणुओं कह सकते हैं हम, जब भी WBC रोगाणुओं का भक्षण करती है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, यही अंतःकोशिकीय पाचन होता है उसके अंदर भी, अंतःकोशिकीय पाचन। और इस प्रक्रिया को पूरक क्या बोलते हैं, भक्षण बोलते हैं, ठीक है ना, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ये तो हो गया कोशिका के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कोशिका से बाहर। अब बाहर कहां पर, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक होती है पाचन गुहा, ठीक है ना,
पाचन गुहा होती है उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कौन सी होती है। तो पाचन गुहा के अंदर होता है, पाचन गुहा में, ठीक है ना। और भोजन के प्रत्येक अवयव के लिए, भोजन के प्रत्येक अवयव के लिए क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। अवयव के पाचन के लिए, पाचन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, एंजाइम होते हैं, ठीक है। यह बात हो गई बाह्य कोशिका की। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब किस किस प्रकार के प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू भोजन पचता है। अब चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बात हो गई इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, मतलब दो प्रकार का प्राणियों में पाचन होता है, एक कोशिकाओं के अंदर, एक कोशिका से बाहर पाचन गुहा में, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से होता है, तो दो प्रकार का होता है वो भी, जब एक्स्ट्रा हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो वो भी दो प्रकार से होता है। और किस किस प्रकार से होता है, तो पहला होता है इसका भाग एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या फिर पाचन नली कहा जाता है इसे, पाचन नली कह दीजिए या आहार नली कह दीजिए, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव या डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचक ग्रंथियां, ठीक है। तो अब देखिए, जब आहार नली की बात करते हैं या पाचन नली की बात करते हैं, तो इसको एक प्रोसेस के थ्रू समझेंगे, पहले डायग्राम समझेंगे कि किस प्रकार से हम भोजन करते हैं और उसका किस प्रकार से पाचन होता है। तो दोस्तों मान लीजिए यहां ये मुख है, मुख गुहा है, ठीक है, और ये फ्राइनेक्स है, ग्रसनी, इसके बाद में जुड़ा हुआ होता है अमाशय, अमाशय के बाद में जुड़ी होती है छोटी आंत, इस प्रकार से कोई संरचना होती है, और फिर यहां से जुड़ी होती है बड़ी आंत, अभी पूरा समझेंगे, और फिर रेक्टम, और रेक्टम के बाद में एनस, ठीक है, और इस प्रकार से घाटी द्वार हो गया। आप समझिए दोस्तों, ये होता है मुख गुहा, मुख गुहा, इसे कहा जाता है ग्रसनी, इसे बोला जाता है ग्रास नाल या आहार नाल, ठीक है, इसको बोला जाता है आमाशय, ये होती है छोटी आंत, और ये होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत, और ये होता है मलाशय, ठीक है। तो जब अपन आहार नली की बात करते हैं, पाचन नली की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है, मुख से, ठीक है, और कहां पर जाकर खत्म होती है, मलाशय में, ठीक है ना। और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 8.6 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 33 फिट, ठीक है। इसकी लंबाई होती है आहार नाल की, कहां से शुरू होती है, शुरू होती है ये मुख गुहा से या मुख से, और कहां तक जाती है, मलाशय तक, ठीक है। ये बात होगी किसकी, पाचन नली की। इससे पाचन नली से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मुख गुहा के बाद में क्या आता है, ग्रसनी आता है, फारिनेक्स आता है, उसके बाद में आता है ग्रास नाल, जिसको आहार नाल भी कहा जाता है, आहार नाल भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर आइसोफेगस भी कहा जाता है, और इसको बोला जाता है फारिनेक्स, ठीक है। और आमाशय जिसको हम कहते हैं पेट, स्टोमक, ठीक है ना, तो ये होता है आमाशय, और आमाशय के बाद में होती है छोटी आंत, जिसको कहा जाता है स्मॉल, बड़ी, फिर बड़ी आंत को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और मलाशय को कहा जाता है रेक्टम। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम,
और बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो जो अंतिम पार्ट होता है बड़ी आंत का, मतलब लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है मलाशय, रेक्टम, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसका शुरू कहां से होती है, मुखगुहा से, और अंतिम कहां होती है, अंत कहां होता है इसका, मलाशय में, ठीक है। तो यह कह सकते हैं एक कुंडलित पेशीय नली है, कुंडलित पेशीय नली है, ठीक है, मतलब कॉइल है एक तरह से, ये कुंडली बनाती है इस प्रकार से, पूरी बहुत लंबी होती है। उसके बाद में देखेंगे हम कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, इसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है ना। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है पांच प्रकार की, जिनके थ्रू हमारा भोजन पचता है। तो दोस्तों जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है, खाना मुंह में रखा हमने, तो खाना जैसे ही मुंह में रखा हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, मतलब पहली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जिसको क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रहण। पहली प्रोसेस क्या होती है, जिसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, या इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन, ठीक है ना। मतलब भोजन का सबसे पहले पाचन कहां से स्टार्ट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है। तो दोस्तों कहां से होता है, मुख से शुरू होता है, मुंह में भोजन रखते ही, ठीक है ना। फिर दूसरा, अब चूंकि देखिए इंजेक्शन के बाद में डायरेक्ट दूसरे पे नहीं आ सकते, इस वजह से, क्योंकि पांच ही थे टोटल, इस वजह से अंतर्ग्रहण मतलब भोजन मुंह में रख लिया, उसके बाद में क्या, हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती है तीन प्रकार की, उनके बारे में आप इनमें चर्चा करेंगे। लार ग्रंथियां जिसमें कर्ण पूर्व ग्रंथि होती है, अधो जिह्वा ग्रंथि होती है, अधो हनु होती है, मतलब ये तीनों ग्रंथियां क्या करती हैं, लार स्राव करने का कार्य करती हैं। तो दूसरा जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, लार निकालना, ठीक है ना, लार निकालना, या इसको कहा जाता है सेलिवेशन, ठीक है। मतलब जैसे हमने भोजन को काटा, ठीक है ना, हमारे जो दांत है उन्होंने भोजन को काट दिया, और उसके बाद में जो लार मुंह से निकलती है वो लार के साथ में भोजन क्या है, मिल जाता है, और वो क्या करता है, मतलब स्मूथ बना देता है भोजन को, निगलने में आसानी होती है। फिर जो तीसरा प्रोसेस है, मतलब अभी भोजन कहां पर है, मुंह में है, उसको चबा लिया हमने, ठीक है, उसमें लार पूरी तरह से मिल चुकी है, अब वो ग्रसनी के थ्रू और इस ऑसियोफेगस के थ्रू कहां पर आएगा, आमाशय में। तो ये जो प्रोसेस है यहां से भोजन आमाशय तक आने की, मुंह से आमाशय तक आने की, उसको तीसरी प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपल्सन, प्रोपल्सन, या फिर मुंह से आमाशय तक पहुंचना, आमाशय तक या पेट तक पहुंचना, ठीक है, ये तीसरी प्रोसेस होगी। अब आमाशय के बाद में जो चौथी प्रोसेस है उसको कहते हैं पाचन, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं पित्ताशय से, गॉल ब्लैडर से पित्तरस आता है, बाइल ज्यूस आता है, अग्न्याशय से गैस्ट्रिक ज्यूस आता है, ठीक है ना, पैनक्रियाटिक ज्यूस आता है। तो उन सारे एंजाइम्स के द्वारा इस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, डाइजेशन, डाइजेशन। और यह कौन सी प्रक्रिया है, चौथी प्रक्रिया है, इसको क्या कहा जाता है, पाचन, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही आमाशय में भोजन थोड़ा बहुत पचा, उसके बाद में किसमें जाता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भी पचता है इसका पाचन, छोटी आंत के अंदर भी होता है, और छोटी आंत का जो तीसरा भाग होता है, जैसे ये पास होता है तो छोटी आंत का जो तीसरा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, इलियम। अभी हमने बात की कि तीन प्रकार के भाग होते हैं छोटी आंत के, जिसमें होता है पहला डियोडेनम, दूसरा जीजुनम, और तीसरा होता है इलियम, इलियम तीसरा भाग होता है छोटी आंत का, इलियम। तो जैसे ही इलियम में पहुंचता है भोजन, तो इलियम के अंदर, इलियम की जो सरफेस होती है, उस सरफेस पर क्या होता है, रसांकुर पाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, ये रसांकुर पाए जाते हैं, विलाई जिन्हें कहते हैं, विलाई, ठीक है। और इन रसांकुरों का क्या कार्य होता है, कि जैसे ही भोजन इस पोर्शन में आता है, छोटी आंत के तीसरे भाग में आता है, तो इसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, मिनरल्स कह दीजिए, विटामिन कह दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कह दीजिए, ठीक है ना। तो उनका क्या करता है, विलाई क्या करते हैं, रसांकुर क्या करते हैं, उनको अवशोषण करते हैं, ठीक है ना, इनका क्या करते हैं, अवशोषण। तो जो पांचवा प्रोसेस होती है हमारी, उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, ठीक है। अब ये जो अवशोषण हुआ है, तो अवशोषण होने के बाद में, चूंकि अब ये रसांकुर तो इसका कार्य ले नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक सेंड करेंगे इसको। तो बॉडी के ऑर्गन्स तक कैसे सेंड करेंगे, बॉडी के ऑर्गन्स तक,
क्योंकि एनर्जी तो वहां तक ही पहुंचनी है, तो कैसे पहुंचाएंगे? तो हमारे ब्लड के हमारे रक्त में सॉरी हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये क्या करते हैं रसांकुर, इन न्यूट्रिएंट्स को किसमें मिला देते हैं, ब्लड के अंदर मिला देते हैं, ब्लड में मिला देते हैं। और जब ब्लड में मिला देते हैं तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिस अंग को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वांगीकरण, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी छठी प्रोसेस। अब देखिए छठी प्रोसेस मतलब ये यहां पर ये जो है छोटी आंत का तीसरा भाग है, इसको बोलते हैं हम इलियम। ठीक है ना, इलियम के बाद में आप भोजन यहां से अवशोषण हो गया और ये ब्लड में मिल चुका है। अब ये कहा जाएगा बड़ी आंत के अंदर, ये भोजन कहा जाएगा बड़ी आंत के तीनों भागों में। ठीक है ना, जिसमें पहला होता है अपना सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। तो दोस्तों हमने जब पोषण पढ़े थे तो उसमें सबसे लास्ट में एक चीज पढ़ी थी रुक्षांश। ठीक है ना, रफेज कहा जाता है। तो रुक्षांश क्या करते हैं, फाइबरस होते हैं, मतलब फाइबरस यानी एलिमेंट होता है, उनमें फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब ये जो भोजन है, अधपचा भोजन कह सकते हो, अपचा भोजन कह सकते हो, वेस्टेज कह सकते हो, ठीक है ना, अवशिष्ट पदार्थ कह सकते हो, तो उसमें से किसका अवशोषण करेगा, जल का अवशोषण करेगा और इसको गाढ़ा बना देगा। ठीक है ना, और गाढ़ा बनाएगा तो ये कहां पर जाएगा, स्टोर हो जाएगा मलाशय में। ठीक है ना, और मलाशय के बाद में ये इस गुदा मार्ग से या एनस, इसको क्या कहा जाता है, एनस कहा जाता है, गुदा मार्ग कहा जाता है। और सुबह सुबह या जब भी जरूरत होती है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इजेक्शन, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन या फिर एफेकेशन। ठीक है, या परित्याग कह सकते हैं इसको, परित्याग या फिर बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। तो इस प्रकार की सात प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले भोजन को मुंह में लिया तो अंतर्ग्रहण हो गया, दूसरा लार निकाली तो लार से हम कह सकते हैं कि सेलाइवेशन हो गया, तीसरा प्रोपल्शन मतलब मुंह से और कहां तक पहुंचा, पेट तक पहुंचा, आमाशय तक पहुंचा, उसके बाद में आमाशय में डाइजेशन हुआ, फिर ये भोजन पहुंचा छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के तीन भागों के अंदर, तो वहां पर अलग अलग भाग में इसका पाचन हुआ। उसके बाद में जो तीसरा भाग है वहां पर कुछ रसांकुर पाए जाते हैं, विलाई पाई जाती है, वो मिनरल्स और विटामिन का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। ठीक है ना, और अवशोषण करके उनको कहां तक सर्कुलेट करना होता है, ब्लड में सर्कुलेट कर देती है, जिससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण। और सातवां होता है एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालना, जो भी मल होता है मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, एनस। इस मार्ग को क्या कहा जाता है, एनस। और इस प्रोसेस जो होती है उसको क्या कहा जाता है, एफिकेशन या फिर परित्याग। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पूरी की पूरी एक प्रोसेस। ठीक है ना, अब समझेंगे हम एलिमेंट्री केनाल में सबसे पहले कि भाई इसमें जो मुख होता है उस मुख गुहा में कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री केनाल की। तो दोस्तों ये डायग्राम दिमाग में रखना, अब अगर मान लीजिए इसी के अंदर ह्यूमन का आपको दिखाई दे रहा होगा, ह्यूमन का देखिए जो डाइजेशन सिस्टम है, इसी जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, एक और डायग्राम जिसमें पूरा मानव दिखाया गया है और मुंह से कैसे जुड़ा हुआ होता है, आहार नाल कहां से निकली हुई होती है, फिर आमाशय, फिर कुंडली नुमा जो छोटी आंत बड़ी आंत का भाग है, वो सारी चीज आपको दिख रही है। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमने अभी समझा कि भोजन कहां से शुरू होता है, एलिमेंट्री कैनाल के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल के, मेंट्री कैनाल के मतलब जो आहार नली होती है उसके कितने भाग होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले भोजन कहां होता, कहां जाता है, मुख में, फिर मुख से कहां जाता है, मतलब मुख में क्या होती है, मुख गुहा होती है, मुख गुहा या इसको कहते हैं माउथ, और इसको कहते हैं माउथ कैविटी। ठीक है, उसके बाद में ग्रसनी में जाता है जिसको कहा जाता है फाइनेक्स या फाइनेक्स। ठीक है, फिर चौथा आता है ग्रास नाल, ये हमने देखा ग्रास नाल, जिसको आइसोफेगस कहा जाता है। फिर ग्रास नाल के बाद में कहां पर जाता है, आमाशय के अंदर या पेट के अंदर। ठीक है, जिसको स्टोमक कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद में ये कहां पर जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत, और छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं। सबसे पहला होता है डियोडेनम या जिसको ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है जेजुनम जिसको मध्यांत्र, बीच का भाग है तो मध्यांत्र कहते हैं। और सबसे लास्ट होता है जो अभी हमने चर्चा की थी इलियम की, जिसको कहा जाता है पश्चांत्र या सबसे लास्ट वाला भाग। इसके बाद में कहा जाता है छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कॉलोन, और तीसरा होता है रेक्टम, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से भोजन सबसे पहले मुख में जाता है, मुख से मुख गुहा में, मतलब मुख गुहा तो इस माउथ के अंदर होती है, और फिर ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी से ग्रासनाल में, और ग्रासनाल से अमाशय, अमाशय के थ्रू छोटी आंत में, छोटी आंत में भी पहले डियोडेनम में जाएगा, ग्रहणी में जाएगा, वहां पर उसका पाचन होगा, फिर मध्यांत्र में जाएगा, फिर पश्चांत्र में जाएगा, उसके बाद में बड़ी आंत के सीकम भाग में जाएगा, फिर कोलोन भाग में जाएगा, कोलोन भाग में रुक्षांश और फिज के द्वारा जल अपघटन होता है, जल का अवशोषण होता है, उसके बाद में जो मल होता है वो रेक्टम पार्ट में मलाशय में चला जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मुख की, उसके बाद में बात करेंगे मुख गुहा की, और मुख गुहा में कितने अंग होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख, तो मुख सबको पता है कि ये हमारा मुंह है जिसके थ्रू हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो हमारा सिर होता है, सिर में जो ये जो फेस होता है वहां पर दो होठों से घिरी एक संरचना होती है, मतलब एक होता है अपर लिप और दूसरा होता है लोअर लिप, ठीक है ना। ये दो होठ होते हैं, और जो होठ होते हैं, होठ की हम कह सकते हैं जो मुख होता है उसकी जो बाहरी संरचना होती है वो किससे जुड़ी होती है, त्वचा से, और अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसको एक म्यूकस झिल्ली कहा जाता है, श्लेष्मा कला कहा जाता है। और इन दोनों के, क्योंकि हम कह सकते हैं हमारे जो होठ है वो लाल क्यों होते हैं, उसका भी एक रीजन होता है कि जो बाहर की त्वचा होती है वो जुड़ी होती है होठों से, ठीक है ना, और अंदर होती है उसको बोलते हैं श्लेष्मा कला या म्यूकस मेम्ब्रेन। और इन दोनों का जो हम कह सकते हैं जंक्शन होता है, जहां पर ये दोनों मिली हुई होती है, अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ त्वचा, जहां पर मिली हुई होती है उसको बोलते हैं रेड बॉर्डर, ठीक है ना। और ये बिल्कुल पारदर्शी झिल्ली होती है। अब लाल क्यों दिखते हैं हमारे होठ, क्योंकि इन पारदर्शी परतों के पीछे बहुत सारी क्या होती है, रक्त वाहिनिकाएं होती हैं, बहुत सारी होती है छोटी छोटी, जिनमें ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है ना, इस वजह से वो लाल दिखते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी मुख की। अब बात करते हैं मुख गुहा की, ठीक है, या माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, ठीक है। तो इसके अंदर जो मुख के अंदर जो कैविटी होती है, गुहा होती है, उसके अंदर तीन पार्ट मेनली पाए जाते हैं। पहला होता है टीथ, दूसरा होता है दूसरा होता है टंग, और तीसरा होता है सेलेवरी ग्लैंड, ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। तो पहले पढ़ेंगे हम टीथ के बारे में, फिर जीभ के बारे में, और फिर लार ग्रंथियों के बारे में। जीभ के बारे में थोड़ा सा तो हमने किस में पढ़ा था, जो संवेदी अंगों के बारे में की थी हमने, ज्ञानेंद्रियों की बात की थी, स्वाद का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किस कौन हेल्प करता है, टंग करती है जिसको गस्टेटो भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो टीथ की बात करते हैं सबसे पहले कि टीथ का क्या कार्य होता है और कैसे कार्य करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मनुष्य जो होता है वो द्विवार दंती होता है, डाइफोडेंट होता है। द्विवार दंती का मतलब उसमें दो बार दांत आते हैं, एक जब बच्चा होता है, बच्चा जब छह साल का हो जाता है, छह वर्ष का हो जाता है, तो उसके दांत गिर जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, दूध के दांत। और उसके बाद में छह साल के बाद में वो दूसरे दांत आते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं। तो बात करते हैं टीथ की, टीथ मतलब दांत। अब दांतों के बारे में ध्यान रखेंगे, जो टीथ है, दांत, दांतों की स्टडी क्या कही जाती है, स्टडी ऑफ टीथ, उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। और दांतों में कौन सा प्रोटीन होता है, या दांतों में प्रोटीन, तो हम पहले बात कर चुके हैं, जब हमने प्रोटीन पढ़ा था तो दांतों में डेंटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, डेंटिन प्रोटीन होता है। उसके बाद में दांतों का निर्माण किससे होता है, दांतों का निर्माण, तो दोस्तों दांतों का निर्माण उसी से होता है जिससे हड्डियों का निर्माण होता है, कैल्शियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से।
और दांतों का जो बाहरी परत होती है, दांतों की बाहरी परत, उसको क्या बोलते हैं? दांतों की बाहरी परत, उसको कहा जाता है इनेमल। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको जो इनेमल होती है उसे एक्सोडर्म भी कहा जाता है, और दांतों का जो उद्भव होता है वो कहां से होता है? एंडोडर्म से, ठीक है ना। अब बात करते हैं दांतों के बारे में। तो मनुष्य में, या मनुष्य हम कह सकते हैं, मनुष्य में द्विबार दंती पाए जाते हैं। द्विबार दंती, द्विबार मतलब डाइफोडेंट, डाइफोडेंट का मतलब दो बार दांत आते हैं। तो द्विबार दंती में हम कह सकते हैं पहला आता है मिल्क टीथ, ठीक है ना, दूध के दांत, दूध के दांत, और दूसरा आता है जिसको कहा जाता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, या फिर इसे कहा जाता है स्थाई दांत, स्थाई दांत। अब ये जो होता है 6 माह से आने लगते हैं, मतलब दूध के दांत आते हैं तो 6 माह तक तो बच्चे के कुछ भी नहीं आते, तो 6 माह के बाद में ये आना शुरू होते हैं। और परमानेंट टीथ मतलब जब मिल्क टीथ सारे के सारे चले जाते हैं, उसके बाद में आते हैं स्थाई दांत, जो 6 वर्ष के बाद में आते हैं, 6 वर्ष के बाद, ठीक है। फिर दांतों के बारे में दूसरा फैक्ट, पहला तो द्विबार दंती होता है, इसके अलावा विषम दंती भी होता है, ठीक है ना। हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग साइज के, मतलब अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो काटने के काम में आते हैं, कुछ चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, कुछ होते हैं जो चबाने के काम में आते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से मनुष्य विषम दंती भी होता है, विषम दंती, ऐसे कहा जाता है हेटेरोडेंट, ठीक है, मतलब विभिन्न आकार प्रकार के दांत, विभिन्न आकार प्रकार के दांत। अब देखिए मेनली तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर, और उनकी चर्चा करते हैं किस प्रकार के होते हैं। ये यहां से मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं इनसाइजर, ठीक है ना। इनसाइजर इसको कहा जाता है हिंदी में कृतनख, मतलब इसका भी फंक्शन देखेंगे। दूसरा होता है कैनाइन, जिसको कहा जाता है रजनक। फिर तीसरा होता है जिसको कहा जाता है प्रीमोलर, जिसको कहा जाता है प्री का मतलब अग्र और इसका मतलब चवर्णक, ठीक है। और चौथा होता है उसको बोलते हैं मोलर और इसको कहा जाता है चवर्णक, ठीक है। अब समझिए कृतनक का कार्य, कृतनक मतलब काटने वाला, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है? काटना, ठीक है, कुतरना, ठीक है, काटना या फिर कुतरना ये कह सकते हैं। फिर दूसरा जो रजनक होता है मतलब फाड़ने वाले, तो इसको कह सकते हैं चीरना और फाड़ना, ये इसका कार्य होता है। और जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं मतलब अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसना या चबाना, भोजन को पीसना या चबाना, ठीक है ना, ये दोनों कार्य ही कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका दंत सूत्र क्या होता है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने दांत होते हैं किसी भी मनुष्य के शरीर में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी संख्या अलग होती है, और परमानेंट टीथ होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, उनकी संख्या अलग होती है। तो किस प्रकार से पता करते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनका एक क्या होता है? दंत सूत्र होता है। तो मान लीजिए ये होता है मनुष्य का, 2 जबड़े होते हैं, हमने अभी जस्ट बात की थी, एक ऊपरी जबड़ा एक निचला जबड़ा, ठीक है ना। ऊपरी जबड़े में भी दांतों की संख्या और निचले जबड़े में भी दांतों की संख्या सेम होती है, ठीक है ना। तो मैं इस प्रकार से मान सकता हूं कि ये हमारा इस प्रकार से ये ऊपरी जबड़ा है और ये है जो निचला जबड़ा है, ठीक है ना। अभी गिनेंगे कौन कौन से दांत कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए इनसाइजर, दंत सूत्र की बात कर रहे थे, दंत सूत्र की बात कर रहे थे। तो जो मनुष्य का दंत सूत्र होता है, तो मनुष्य में सबसे पहले बच्चे की बात करते हैं, बच्चे में क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं,
तो मिल्क टीथ का दंत सूत्र होता है 2102। मतलब मैं लिख सकता हूं ICPM। यदि मैं इंसाइजर को आई से डिनोट करूं, ठीक है, कैनाइन को सी से डिनोट करूं, प्रीमोलर को पी से डिनोट करूं और मोलर को एम से डिनोट करूं, तो क्या हो गया ICPM। ठीक है, आई का मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर मतलब कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है ना, इसका मतलब बच्चे में क्या होता है, दो दांत होते हैं जो होते हैं कृतनक, एक दांत होता है वो होता है रदनक और प्रीमोलर ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और मोलर मतलब चवर्णक दो होते हैं। अब देखिए ऊपरी जबड़े में भी और निचले जबड़े में भी, मतलब ऊपरी जबड़े में भी और निचले जबड़े में भी, इस प्रकार से आप देखिए कैसे होते हैं। तो हमारा जो जबड़ा है, मैं मान लीजिए ये जबड़ा है, अब देखिए मतलब इसके चार फेज हो गए, एक इस तरफ का, एक इस तरफ का, मतलब अगर ये हमारा पूरा मुंह है और इसमें ऊपर का जबड़ा ये है, नीचे का जबड़ा ये है, तो इसमें भी चार पोर्शन हो गए, एक ये हो गया बायां और ये हो गया दायां ऊपरी भाग, ये बायां और ये दायां निचली निचला भाग। ठीक है ना, अब मैं लिखता हूं ICPM। ठीक है ना, यहां पे लिखूंगा ICPM। ठीक है, अब देखिए ये जो दंत सूत्र है ये ऊपर के दांतों के लिए लिखता हूं 2102 और यहां भी लिखता हूं 2102। ठीक है, ऐसे ही नीचे के दांतों के लिए मतलब निचले जबड़े के लिए MPCI, यहां भी ICPM, तो क्या हो जाएगा, वापस लिख दीजिए 2012 2102। ठीक है, तो अब देखिए ऊपरी जबड़े में कितने दांत हो गए, 2 3 2 5 2 7 8 8 2 10, मतलब ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या 10 और निचले जबड़े में भी कुल दांतों की संख्या कितनी 10। तो हम कह सकते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कुल मिल्क टीथ होते हैं 20। ठीक है, जिसमें देखिए दो इस साइड में, दो इस साइड में, ये क्या है चवर्णक ऊपरी तरफ, नीचे की तरफ दो चवर्णक, नीचे दो चवर्णक इस तरफ, तो 2 2 4 2 6 2 8। मतलब अगर हम मोलर की बात करते हैं चवर्णक की, तो चवर्णक की संख्या कितनी होती है, चवर्णक की संख्या हो गई 8। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमोलर की, तो प्रीमोलर देखिए यहां पर प्रीमोलर 0 है, यहां भी प्रीमोलर 0 है, मतलब जो अग्र चवर्णक होते हैं उनकी संख्या होती है 0, अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते। फिर बात करते हैं रदनक की, कैनाइन की, जो रदनक होते हैं कैनाइन उनकी संख्या कितनी होती है 1 2 3 और 4, ये 4 होते हैं। ठीक है ना, और फिर बात करते हैं कृतनक की, तो कृतनक कितने होते हैं 2 2 4 2 6 2 8, तो कृतनक इनसाइजर जो होते हैं वो भी 8 होते हैं, तो कुल दांत कितने हो गए 20 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, मनुष्य की, मतलब हम परमानेंट टीथ की बात करते हैं, तो परमानेंट टीथ का, परमानेंट टीथ, ठीक है ना, परमानेंट टीथ का दंत सूत्र क्या होता है 2 1 2 3। ठीक है, मतलब एक आधे जबड़े में 2 1 2 3 ऊपर की तरफ, साइड की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है ना, किस प्रकार से, यहां भी 2 1 2 3 होंगे, यहां भी 2 1 2 3 होंगे, यहां भी 2 1 2 3 होंगे, यहां भी 1 2 1 2 3 होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए मैं यहां बना देता हूं, ये मान लीजिए देखिए ICPM, यहां भी ICPM, ICPM और ICPM। ठीक है, दंत सूत्र क्या है 21 23। ठीक है ना, जब सूत्र की बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऊपरी जबड़ा बटे निचला जबड़ा गुणा 2। ठीक है, ऊपर से भी 2 से गुणा करना है, नीचे से भी गुणा करना है। ठीक है ना, मतलब ये आधे भाग का है, अभी हमने बात की थी ना चार भाग हैं, तो केवल और केवल ये जो है ये 2 1 2 3 ये केवल इस भाग का है, तो अभी तीनों भागों में पाया जाएगा,
लेकिन ये मनुष्य की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अलग अलग जानवरों में, घोड़े में ऊपर के दांत अलग होते हैं, नीचे के दांत अलग होते हैं, ठीक है ना। कुत्ते में भी ऊपर के दांत अलग होते हैं, नीचे के दांत अलग होते हैं। खरगोश में भी ऊपर के दांत अलग होते हैं और नीचे के दांत अलग होते हैं। ये केवल मनुष्य की बात है। तो हम लिखेंगे 2, 1, 2, 3, ठीक है ना। फिर यहां से आई 2, C2, C1, P2 और मोलर 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से 2, 1, 2, 3, यहां भी लिखेंगे 2, 1, 2, 3। तो आप देख सकते हैं ऊपरी जबड़े में कितने दांत हो गए, कुल 3 और 2, 5 और 1, 6, 6 और 2, 8 और 2, 10, 11, 2, 13 और 3, 16। तो ऊपरी जबड़े में कुल दांत हो गए 16 और निचले जबड़े में भी कुल दांत हो गए 16। तो टोटल दांत कितने हो गए, टोटल हो गए 32। इसका मतलब जो मनुष्य होता है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, मोलर्स की, मतलब चवर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। मतलब ऊपरी जबड़े में चवर्ण की बात करें, चवर्ण का मतलब मोलर की बात करें, तो मोलर कितनी हो गई, 3 और 3, 6 और 3, 9 और 3, 12। मतलब कुल 12 डाढ़ होती हैं, 12 चवर्णक होते हैं। फिर अग्र चवर्णक की बात करें तो अग्र चवर्णक कितना होता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं, मतलब 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो कुल कितने हो गए, 8। फिर बात करते हैं इंसाइजर की, मतलब रधनक की, हम बात करते हैं कैनाइन की, मतलब रधनक की, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कैनाइन 1, 2, 3, 4, कैनाइन कितने होते हैं, 4। तो दोस्तों कैनाइन के बारे में, ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है ना, जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाने वाले। तो मांस को चीरने फाड़ने के लिए ये दांत होते हैं, मतलब ये इस प्रकार से यहां पर होते हैं, 4, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक इस तरफ, ठीक है ना। ये बिल्कुल नुकीले होते हैं। और जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर, बाघ वगैरह, उनमें ये बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए होते हैं, वो मांस को फाड़ने के काम में आते हैं। फिर बात करते हैं कृतनक की, जिसको आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए कृतनक कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो कुल कितने हो गए कृतनक, 8। अब देखिए, अब समझिए, यहां पर ये कुल 32 दांत हो गए, ठीक है ना। अब समझने की बात, कुल 32 दांत हो गए। अब मान लीजिए ये मेरा जबड़ा है, ठीक है, ये मेरा जबड़ा है, और इसके अंदर कैसे दांत होते हैं, देखिए। अब यहां पर हमने देखा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है इस प्रकार से। तो इसकी बात करेंगे तो इसमें 2, 1, 2, 3 की बात इधर करेंगे, और जब इस तरफ की बात करेंगे, जब 2, 2, 1, 2, 3 की बात इस तरफ से करेंगे। तो देखिए पहला इंसाइजर जो कृतनक होता है, वो कृतनक की संख्या कितनी है, 2 है। मतलब मैंने यहां पर कृतनक बना दिया 1 और ये 2, ठीक है। उस प्रकार से फिर एक कैनाइन है, मतलब कैनाइन का मतलब हमने अभी जिस बात की कि जो नुकीले दांत होते हैं, मतलब ये किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का दांत होता है, नुकीला दांत, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रीमोलर की, जो चवर्णक होता है। तो चवर्णक किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चवर्णक होता है इस प्रकार का। कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये मैंने 2 चवर्णक बना दिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर की, जो ये तो अग्र चवर्णक की बात होगी। अब बात करते हैं चवर्णक की, जो मोलर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से, मतलब थोड़ा शेप में ही रहता है ये, ठीक है। अब जब इनकी बात हो गई कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इंसाइजर हो गए, ये कैनाइन हो गया, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों प्रीमोलर हो गए, और ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए मोलर। उसी प्रकार से इधर भी 2 दांत होते हैं, इंसाइजर, उसके बाद में 1 होता है कैनाइन, जो नुकीला होता है, ठीक है। फिर होता है प्रीमोलर, 2 दांत होते हैं, और उसके बाद में होता है मोलर, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कितने दांत हो गए कुल, ये हो गया इंसाइजर, ये कैनाइन, ये हो गए प्रीमोलर और ये मोलर। तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 और ये, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस जबड़े में कितने दांत हो गए, 16 टीथ। और इसी प्रकार से ये कि ये किसमें होते हैं, ऊपरी भाग में होते हैं, तो 16 वहां पर होते हैं। तो कुल कितने टीथ हो गए, 32 टीथ हो गए, ठीक है दोस्तों।
तो ये हमारे दांतों का पूरा कच्चा चिट्ठा था, जिसमें 32 दांत होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, 20 दांत होते हैं जो कि बच्चे में होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है ना। फिर खरगोश का दंत सूत्र देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि भाई खरगोश का कितना होता है, ये छोटा सा पोर्शन है, उसके बाद में हम बात करेंगे टीथ के बाद में जीभ की। और जीभ का हम बात कर चुके हैं कि जीभ में फेरिंजियल नर्व पाई जाती है और इसमें चार प्रकार की स्वाद मतलब चार प्रकार के भाग होते हैं जिनमें अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें आगे का भाग मीठे का, पीछे का भाग कड़वे का, साइड के जो पार्श्व भाग होते हैं वो तीखे का या नमकीन भाग उनका जो है एहसास करवाते हैं या उनका स्वाद ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बात कर चुके हैं और अच्छे से उसको और पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में उसको उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।